वो पढ़ा रहे थे शुरू से, वो तो हो गया। शुरू कर दो। इन तमाम अकाउंट्स को हम इनके मुतलका खानों में पेस्ट करेंगे, जैसा कि जिसको आप पेस्ट कर लें उसको आप ऐसा अंडरलाइन कर दें। कैश एसेट में शुमार होगा, बैंक एसेट में शुमार होगा, बैंक चार्जेस एक्सपेंस में शुमार होगा, बैंक लोन लायबिलिटी में शुमार होगा, परचेजेस एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, सेल इनकम है, सेल रिटर्न इनकम है, सेल सैलरी एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, कैरिज इन एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, कैपिटल और ड्राइंग ऑनर्स इक्विटी में आएंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट में आएगा, रिसीव पेबल अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी में आएगा, एक्सपेंसेस पेबल भी लायबिलिटी में आएगा, मशीनरी एसेट में आएगा, फर्नीचर एसेट में आएगा, सनड्राई एक्सपेंसेस एक्सपेंस में आएगा, सनड्राई एक्सपेंसेस नोट पेबल लायबिलिटी में, बिल्स रिसीवेबल एसेट में, प्लांट एसेट में और सर्विसेज रेवेन्यू इनकम में। तो अजीज तलबा, अगर हमने इनकी सही पहचान करके उनके मुतलका खाने में पेस्ट करना सीख लिया तो अगले लेसन में इन इस हवाले से कोई गलती हमारे सामने नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर मैं अब आपको एक दो गलतियां करके इसमें उसको दोबारा दुरुस्त करने की तरतीब आपको बताता हूँ। आपने गलती से जो है वो एक लफ्ज़ जो है ये मिसाल इन्वेस्टमेंट है, आपने समझा कि ये यहाँ नहीं लिखा आपने, ये जो आपका ऐसे तसव्वुर नहीं किया, आपने तसव्वुर किया कि ये एक्सपेंस है, यहाँ आपने इसको गलती से यहाँ लिख दिया और जो है ऐसे ही कोई और अकाउंट जो है जैसे सेल सैलरी है आपने इसको यहाँ लिख दिया। गल्फ ये सारा यहां से देखकर पेस्ट करने के बाद इसको ओरिजिनल लिस्टों में जाकर चेक करना है कि ये दुरुस्त आपने पेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं। अगर गलतियां हो तो इसको दायरा लगाना है, मिसाल जैसे ये है, जैसे ये है, इसको दायरा लगाकर देखना है। फिर उस गलती को दोबारा जब आप इसको ये दो तीन दफा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस हवाले से दो से तीन मरतबा, चार मरतबा, पांच मरतबा इन तमाम अकाउंट्स की लिस्टों को बार बार कैटेगराइज करना
और सॉर्ट आउट करके इसको जो है देखना और फिर अपनी गलतियों को तलाश करना। जब आप इनको सही तरतीब से इन खानों में पेश करना सीख जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके नोट्स में इससे अगले पेज पर चंद फिक्रे लिखे हुए हैं नोट की शक्ल में, वो पूरा पेज जो नीचे जो है वो डेबिट क्रेडिट के रूल्स का डब्बा बना हुआ है, वो आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको अकाउंट्स तलाश करने सिखाए जाएंगे, इंशाल्लाह अकाउंट्स तलाश करने। अभी आपके जिम्मे काम क्या है, नोट्स में से पहले चार सफात पर ये तमाम टर्मिनोलॉजी की जितनी टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई है इनकी तमाम की तारीफें वहां लिखी हुई हैं, इनको जबानी याद करके खुद लिख कर देखना। अकाउंट्स की लिस्टें जो है उससे नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई हैं, इन तमाम लिस्टों को अच्छी तरह याद करना, फिर इनको इस पेज पर जाकर अलग अलग ऐसे तलाश करके कैटेगराइज करना है। आपके जिम्मे ये काम है, इसको मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हमारी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह हम इन तमाम अकाउंट्स को सवालात में तलाश करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपके जिम्मे ये है कि आपने 5-6 नंबर पेज पर जो शुरू में नोट की शक्ल में आखिर में डब्बे तक जो डेबिट क्रेडिट रूल तक जो है वो तमाम पेज आपने जबानी याद करना है, उसके बुनियाद पर जो मैंने आपको अकाउंट क्लास करने सिखाने इंशाल्लाह भाई।